हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको पांच कौन कौन से ऐसे बदलाव नज़र आते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। बूढ़े बुजुर्ग, हमारे दादी नानी क्या बोल कर गए हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी भी बोल कर गए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं, जो कहा जाता है वो मेरे अंदर सच हुआ, या फिर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो सच नहीं भी हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेगनेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, फिर बिना देरी किए वीडियो दौरान, अगर आपका पेट लंबे आकार का निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे घर वाले, हमारे अगल बगल के लोग के बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले आपके पेट को देखा जाता है कि आपका पेट किस आकार का निकला है, आपकी कमर पे तो कुछ नहीं है, आपका बॉडी तो चौड़ा नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं। लंबे आकार का निकला है तो लोग बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारा लंबे आकार का निकला है, क्योंकि तीसरे महीने के बाद बहुत अच्छे से मालूम चलने लगता है कि आपका पेट लंबा निकला है या फिर गोल निकला है। तो हमारे अगल बगल के जितने लोग हैं, तो ये दोनों सिम्टम मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किए थे जब मैं लड़की को कंसीव की थी। मेरा बिल्कुल फुटबॉल के आकार का पेट निकला था, और जब मैं लड़की को कंसीव की थी तो बिल्कुल मेरा ओवल शेप का पेट निकला था। आप देख लीजिए कि आपका किस टाइप का पेट निकला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। जैसा कि बेबी गर्ल में आप चौड़े होते जाते हैं, कमर चौड़ा हो जाता है, उतना बेबी बॉय के टाइम पे नहीं होता है। मेरे साथ भी नहीं हुआ था। जब मैं बेबी बॉय को कंसीव की थी तो मेरी कमर पे कुछ नहीं था, पीछे से देखकर उतना पता नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरा आगे से बहुत बड़ा पेट निकला था, बहुत लंबे आकार का पेट निकला था। चौड़ा हो गया है, पेट कम निकला है, तो लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका बॉडी पे चर्बी नहीं है, केवल और केवल पेट पर है, तो ये लड़का होने का संकेत होता है। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मैच किया है। आप देख लीजिए कि आपके साथ मैच कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा कि तीसरे तिमाही में आपका राइट पैर ज़्यादा उठने लगता है। अगर कोई बूढ़ी बुजुर्ग महिला होगी, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपने किसी को नहीं बताया है, तो वो आपके पैर को देखकर समझ जाएगी। अगर आपका राइट पैर पहले उठ रहा है, मैं एक मेरी हाउस हेल्पर आती थी और आती है भी अभी, अब वो बहुत सालों से है हमारे घर पर, तो वो मेरा पैर देखकर समझ जाती थी कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरा राइट पैर ज़्यादा उठता था बॉय के टाइम पे। अगर आपके साथ भी हो रहा है कि अगर आपका राइट पैर ज़्यादा उठ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। है तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है, वो दिन में सो ही रहती हैं, उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो सो जाती है, नींद में रहती हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है। तो अगर तुरंत बेड पे जा रहे हैं, आपको नींद आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी में नींद आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़की होगी। और आपको नींद नहीं आ रहा है ज़्यादा, आपको थकान लग रहा है, आलस लग रहा है, बेड पे जा रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रहा है, तो ये लड़का होने का संकेत होता है। कहा जाता है जैसे ही आप लड़की कंसीव करते तो आपको बहुत नींद आता है, और लड़का के टाइम पे आपका नींद तीसरी तिमाही में बिल्कुल गायब हो जाता है। तो हाँ, मेरे साथ भी ये मैच किया था। जब मैं तीसरी तिमाही में थी तो मुझे लड़की के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आता था, दिन में मैं सो जाती थी, कभी भी मैं बेड पे जाती थी और मेरे को नींद आ जाता, और लड़की के टाइम पे मुझे नींद नहीं आता था। हाँ, मुझे थकान लगता था, आलस लगता था, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं इस टाइम पे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, बहुत आलस लगता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आता था। मैं जाती थी रेस्ट करने, लेकिन मैं या तो फ़ोन देखते रहूँगी या फिर टीवी देखते रहूँगी या फिर कुछ सोचते रहूँगी, तो इस टाइप से मेरे साथ होता था, मेरे को नींद नहीं आता था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्सअप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो।
तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।